हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत त्रिपाठी। आज मैं आपके सामने एडजेक्टिव का जो फोर पार्ट है, जहाँ तक आज आपका एडजेक्टिव जो है आपको कवर हो जाएगा, और आशा करते हैं कि आप मेरे चैनल टू आइडियल्स को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे होंगे। तो वही है कि आज हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव का जो फोर पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो अभी केवल हम लोग रूल कवर कर चुके हैं, और जो उसमें एक विशेष अंतर आ रहा है, जो माइनर डिफरेंसेस आ रहे हैं रूल में, आर सम इस टाइप के जो सम मैनी मच मैनी सम एनी मच मैनी का इस प्रकार के जो अंतर थे उनको हम लोग क्लियर कर रहे थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे, आज दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो आइए देखते हैं, आज जो हमारा रूल है, जो टाइप है वो इल्डर और बोल्डर का है। उसके मैंने आपके सामने एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो क्या है कि इल्डर मतलब क्या होता है, ओल्डर मतलब क्या होता है, आपको बता दे रहे हैं। इल्डर क्या होता है, जब इल्डर कभी भी यूज होगा तो एक ही परिवार के सदस्य के लिए यूज होगा, कि कोई अगर मेरा कोई बड़ा भाई है या कोई बड़ी बहन है, ठीक है, तो जो एक ही परिवार का जो रिलेशन में जो एक ही परिवार के सदस्य होंगे, वो जो बड़े होंगे उन्हीं के लिए हम इल्डर का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि कोई दूसरा जा रहा मोहल्ले का तो इल्डर ब्रदर बोलेंगे, वहां पे हम लोग इल्डर ब्रदर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो इल्डर का यूज हम लोग करेंगे वो एक ही परिवार के सदस्य के लिए करेंगे। और तो आपके सामने एग्जांपल है, पहला है दिस ही इज माय इल्डर ब्रदर। अगर कहीं भी इल्डर ब्रदर आपका आएगा या इल्डर का यूज होगा तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक ही परिवार का सदस्य होगा, ना कि कोई पड़ोसी होगा, ठीक है। तो आगे देखना है, तो ये आपका इल्डर का एग्जाम्पल हो गया, एक ही परिवार का सदस्य होगा। दूसरा आपका ओल्डर का, तो ओल्डर क्या कैसे करेंगे, ओल्डर का प्रयोग क्या होता है, ओल्डर का प्रयोग व्यक्ति के लिए भी होता है और ओल्डर का प्रयोग आपका वस्तु के लिए भी होता है। तो अगर कहीं भी कोई व्यक्ति आएगा, कोई आई लाइक ओल्डर मैन या कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति होगा उसके लिए हम ओल्डर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर परिवार का सदस्य है तो तुम्हारा इल्डर ही होगा। तो कोई वस्तु होगी, कोई बड़ी कोई वस्तु होगी या तुमसे कोई बड़ी वस्तु है, या कोई बड़ा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, कोई परिवार का सदस्य नहीं है, तो वहां पे हम लोग ओल्डर यूज करेंगे। तो वही चीज बताई गई है, दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट, ये जो ट्री है उससे क्या है, बड़ा है। या तो क्या हो जाएगा, अगर ओल्डर हो रहा है तो ये वस्तु के लिए आ रहा है, ट्री के लिए आ रहा है। अगर वही हम तीसरा एग्जांपल देखें, आई लाइक ओल्डर मैन, तो अगर ओल्डर क्या होता है तो ये व्यक्ति के लिए आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं जो इल्डर और ओल्डर में मेन अंतर है वो आपका यही है कि इल्डर क्या होता है, वो आपका एक ही परिवार का सदस्य होगा, और जो ओल्डर होगा आपका वो क्या होगा, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई वस्तु भी हो सकती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो आइए देखते हैं जो हम लोगों का अगला है, अगला टाइप है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज फार्दर और फर्दर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि फार्दर और फर्दर दोनों कहने में या प्रोनाउंसिएशन में क्या लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। तो आपको यहाँ पर दिक्कत ही बहुत होती है कि समझ नहीं पाते हैं कि फार्दर और फर्दर में अंतर क्या है। तो वही अंतर आपको बताएंगे कि फार्दर जो है वो क्या होता है, आपका दूरी के लिए होता है, और फर्दर क्या होता है, कोई और, ये समझे लिखा है कि लेट अस नॉट डिस्कस द फर्दर मैटर, तो आपको कोई और मैटर डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। तो कोई और के लिए जब कोई सेंटेंस आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, फर्दर। तो अगर किसी से बोलते हैं कि आप कोई और तुम्हारी बकवास नहीं सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, तो वही बोलेंगे कि फर्दर यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें फर्दर का हम लोग अगर फर्दर सोचे फर्दर में आपको कंफ्यूजन भी होता है तो कुछ नहीं, ये अगर हम फार्दर बोलेंगे, फार्दर में क्या निकल रहा है, फार्दर तो दूर का एक सेंस निकल रहा है, और फर्दर में क्या निकल रहा है, फर्दर में निकल रहा है बिल्कुल कि वो कोई और, आप कोई आप बात नहीं करेंगे, जो आपकी बात हो चुकी है वो पर्याप्त है, दैट इज इनफ, ठीक है। तो वही लिखा है कि पहला एग्जाम्पल दिया गया है और दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। तो वही है, अगर हम बात करें कोई दूरी की बात करेंगे तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग फार्दर यूज करते हैं। कैसे करते हैं, आपके सामने लिखा है मुंबई इज फार्दर देन दिल्ली फ्रॉम कानपुर। मुंबई क्या है,
दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कानपुर, जब अगर हम कानपुर से चलेंगे तो दूर है, दिल्ली पहले पड़ेगा और मुंबई बाद में पड़ेगा। तो पहले कहीं कहीं ना कहीं ये क्या होता है, आपको दूरी का सेंस देगा। आप दूसरा एग्जांपल देखें, लेट अस नॉट डिस्कस द मैटर फर्दर। तो क्या है कि अब आप आओ, अब कोई आप मैटर डिस्कस नहीं करेंगे, दूसरा जो बात हो गई है यही ठीक है, आप कोई बात दूसरी कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, बहुत से सेंटेंस बनेंगे फर्दर के और फादर के, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे, और हम लोग केवल अंतर समझना कि अंतर केवल इतना होता है कि फादर मतलब होता है दूरी, दूरी का सेंस होगा, और फर्दर मीन्स होता है कि आप कोई और कोई बात नहीं करेंगे, आपको और कोई कोई भी चीज आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, जो हो गया ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग देखेंगे फ्यूवर और लेस में देखेंगे कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। वही सेम चीज जैसे जैसे हम लोग मैनी और मच का यूज कर रहे थे, उसी जैसे हमने फ्यू का और लिटिल का यूज पढ़ा था, तो उसी वेस्ट पे आधारित है, उसी उसी पे आधारित है, उसी का एक फॉर्म है। तो आज हम लोग देखेंगे कि फ्यूवर और लेस में अंतर क्या होता है। वही सेम चीज, फ्यूवर जो आपका होता है ये नंबर्स के लिए होता है, और कभी भी अगर फ्यूवर आपका आएगा एग्जाम एग्जाम्पल में एग्जाम में आएगा तो उसमें क्या करेंगे आप, उसके साथ आपका काउंटेबल नाउन होगा। अगर आपका लेस आएगा किसी भी सेंटेंस में तो उसके साथ आपका क्या होगा, उसके साथ आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो कहने के मतलब है कि जब कभी भी वही जैसे हम लोगों ने मच और मैनी का पढ़ा था, फ्यू और लिटिल का पढ़ा था, तो उसी प्रकार का सेम सेम टॉपिक है फ्यूवर और लेस का, कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है इसलिए आपके सामने बताया जा रहा है। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल समझें तो यही होगा, पहला एग्जाम्पल लिखा है, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, तो फ्यूअर देन 40 पीपल वर प्रेजेंट। अगर आपको 40 पीपल, 40 को पकड़ेंगे, 40 पीपल क्या है आपका काउंटेबल नाउन है, आपका क्या है काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। तो अगर हम फ्यूअर का प्रयोग करेंगे तो फ्यूअर आपको कैसा है, देन क्यों लगा है, क्योंकि कंप्लीट टू डिग्री में फ्यू का फ्यूअर होता है, तो वो अलग बात है। तो अगर हम देखेंगे तो फ्यूवर जहां तक जो भी आ रहा है वो आपका काउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम लेस की बात करें, काउंटेबल नाउन के साथ आ रहा, और जब काउंटेबल जो नाउन होते हैं वही आपके क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, चाहे नंबर्स को काउंटेबल नाउन बोले, क्योंकि हम लोग जो नंबर्स होते हैं वो गिन सकते हैं, तो उन्हीं को हम लोग काउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है। और वो जो हम लोग गिन नहीं सकते, जो मात्रा में होती है, किलो के फॉर्म में होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे घी है, इसको हम लोग 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो बोलते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने ऑफ लगा दिया, 5 किलो घी नहीं बोलेंगे, 5 kg ऑफ घी बोलेंगे। उसी प्रकार से जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। शक्कर को 1-2 किलो बोलेंगे, वो किलो के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन हम उसको शुगर को मेजरमेंट हम लोग इससे कुछ प्रकार से नहीं करेंगे, जैसे हम लोग 40 पीपल इस प्रकार के नंबर के फॉर्म में करते हैं। तो कहने का मतलब है अगर कहीं भी लेस आ जाएगा तो आपका क्या करेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन के रिप्रेजेंट करेगा। तो वही सेम चीज है, दोनों अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, आपकी एक मात्रा होती है। तो अगर हम एक इसको एक वे में बोलें तो यही बोलेंगे कि जो आपका फ्यूवर है वो आपका नंबर्स के लिए होता है, जो आपका लेस है वो आपका किसके लिए होता है, वो आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन या मात्रा के लिए होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप है। तो हम लोग का टाइप है सिक और इल, हम लोग अंतर समझेंगे। लगभग हम बेसिकली जानते हैं कि सिक माने भी क्या होता है, बीमार होता है। अगर हम उसका इल का मतलब समझें तो उसका उसका मतलब भी बीमार होता है। तो इसमें जो मेन अंतर आपका आता है, जो बीमार किस लिए होता है, कोई मानसिक रूप से बीमार होता है, कोई सामान्य तौर पर बीमार होता है, कोई कोई स्थिति ऐसी आती है जो देश की स्थिति खतरनाक होती है, मुश्किल में डालती है, तो वो तीनों आपके सामने एग्जाम्पल दिए हैं। हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल को समझेंगे और सिक और इल में जो बेसिक अंतर है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो वही चीज देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल आपका लिखा है, दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, और तीसरा एग्जाम्पल आपका लिखा है। तो वही चीज है, अगर हम बोले पहले हम सिक का देखेंगे, तो मोहन हैज बीन सिक फॉर 2 इयर्स आपका एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सिक का मेन मतलब होता है वो आपका होता है कि वह बीमार है या अस्वस्थ है। तो मोहन क्या है, वो 2 साल से बीमार है।
तो इसको हम लोग क्या है जो सिक यूज करेंगे बीमारी के लिए, जो नॉर्मली बीमारी होती है, कोई बीमारी कोई वैसी नहीं है कि जो वैसे ये फीवर या कुछ भी जैसे कोई बीमारी हो रही, जो मानसिक बीमारी ना हो, नॉर्मली बीमारी हो मानसिक बीमारी को छोड़कर, तो वहां पे हम लोग सिक का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिक का जो दिमाग का होता है, जो जिसको हम लोग अस्वस्थ बोलते हैं, अस्वस्थ वो बुखार से भी हो सकता है, अस्वस्थ वो कैंसर भी हो सकता है। तो जो भी बीमारी है, जो बीमारी से ग्रसित है, वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, सिक लगाएंगे। लेकिन सिक में कभी मानसिक बीमारी का जिक्र नहीं होता है। अगर मेंशन करेंगे तो मानसिक बीमारी का है, मेंटल कोई व्यक्ति अगर कोई मेंटल वाला है तो वहां पे जैसे कोई पागल टाइप का है, कुछ दिमाग में कुछ उल्टा सीधा उसके चल रहा है, तो अगर कोई किसी की साइकोलॉजी डगमगा रही है तो उसने अपने बेस्ट पे काम नहीं कर पा रहा, तो वहां पे हम लोग सिक का यूज नहीं करेंगे, वहां पे इल का हम लोग यूज करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपका है, इज ही इल इनफ टू नीड अ डॉक्टर, इसका मतलब आपका यही होगा, अगर वह इल डॉक्टर की आवश्यकता क्या आ रही है, अगर वह मानसिक रूप से ज्यादा बीमार है, उसको दिक्कत आ रही है, तो उसको डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो कहने मतलब जब कोई मानसिक रूप से बीमार होता तो कोई ये नहीं होता कि वो एकदम गिर पड़ेगा या उसको भर्ती कराना पड़ेगा, उसको जब लगेगा कि यहाँ इसको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, बोल देते हैं कि वो मानसिक रूप से पीड़ित है, उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो कहीं भी अगर कहीं भी इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे तो जहां पर वो मानसिक रूप से बीमार होगा तो हम लोग इल का यूज करेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। हाँ, आपका जो इल होता है आपका, ये आपका एडजेक्टिव भी होता है और आपका एडवर्ब भी होता है, दोनों होते हैं। सिक क्या होता है, सिक तो आपका एडजेक्टिव ही है, तो अगर हम एडजेक्टिव के फॉर्म में देखेंगे तो इसका एडजेक्टिव के फॉर्म में ये होता है, मानसिक रूप से बीमार जो आपका लिखा हुआ है, ये कैसा होता है, ये एडजेक्टिव के फॉर्म में, एडजेक्टिव के फॉर्म में क्या होता है, जब एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा तो मानसिक रूप से बीमार होगा। ठीक है, आपको एडजेक्टिव एडवर्ब तो बता चुके हैं, इसमें कोई बताने वाले आवश्यकता नहीं, स्टार्टिंग बताया था कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन और नाउन नाउन के जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव के जो फॉर्म में आएगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको जो अर्थ निकलेगा वो मानसिक रूप से बीमार होगा। अगर वही चीज जब लोग एडवर्ब के फॉर्म में, एडवर्ब के फॉर्म में आप देख रहे हैं कि एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के साथ में वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, और एडजेक्टिव क्या होता है आपका, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो आपका क्या होता है, आप देख रहे हैं जैसे ही को क्वालिफाई कर रहा है या फिर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो जब एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, मानसिक रूप से बीमार होगा। अगर यही चीज अगर एडवर्ब के फॉर्म में आ रही है तो उसका मतलब ये होता है, उसका मतलब होता है मुश्किल से, कोई चीज मुश्किल से हो रही होती है, हार्डली हो रही होती है, तो वहां पे हम लोग इल का यूज करेंगे। जब कोई चीज मुश्किल में होगी या मुश्किल से होगी तो वहां पे हम लोग इल यूज करेंगे। इसका अर्थ समझेंगे, द कंट्री कैन बी रेफर्ड टू अ बेस ऑफ वॉर, अगर कहीं किसी भी कंट्री में कोई युद्ध होता है तो वहां पे एक बहुत ही कठिनाई आती है, तो वही कहने का मतलब है कोई भी अगर युद्ध होगा तो वहां पे कुछ पैसे भी स्थिति कमजोर होगी, उसकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन होगी वो डाउन होगी, तो वहां पे जो मुश्किल हालात होंगे, तो कहने का मतलब है जब कभी भी वो एडवर्ब फॉर्म में आएगा, हमको क्यों इतना ध्यान देना है, जब कभी भी एडवर्ब फॉर्म में आएगा तो आप क्या करेंगे, आप उसका जो मतलब होगा वो मुश्किल से होगा, जब कभी भी हुआ एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, उसका मतलब होगा आप मानसिक रूप से बीमार। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि आज जो है बहुत ही सब लोग आप लोग जानते भी होंगे ब्यूटीफुल और हैंडसम अंतर क्या होता है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ब्यूटीफुल क्या होता है, ये लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए, जो सुंदर दोनों मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, तो दोनों मतलब सुंदर तो होता है, लेकिन जो ब्यूटीफुल होता है ये आपका लेडीज के लिए होता है, और ये क्या होता है आपका व्यक्तियों के लिए होता है, जेंट्स के लिए होता है। तो अगर हम बात करें तो कभी भी अगर किसी लड़की को या किसी महिला को हम लोग बोलेंगे सुंदरता के बेस में तोलेंगे तो मेजरमेंट करेंगे, उसमें क्या हो जाएगा कि राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये नहीं बोलेंगे राधा इज अ हैंडसम गर्ल। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक अंतर आप लोगों को पता भी होगा और कोई नई चीज बताने वाली नहीं है। अगर कोई लड़का होगा तो हैंडसम बोलेंगे, लड़की होगी तो ब्यूटीफुल बोलेंगे सुंदरता के लिए। तो वही चीज आपके सामने दो एग्जांपल हैं, पहला क्या है ब्यूटीफुल है लड़कियों के लिए आता है, तो राधा क्या है लड़की है, तो राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। राम है पुरुष है, हैंडसम क्या है व्यक्तियों के लिए आता है, दोनों मतलब क्या होता है सुंदर ही होता है, तो राम इज अ हैंडसम बॉय। बस
तो आइए देखते हैं कि आज हम टाल और हाई का पढ़ेंगे। इसमें टाल और हाई में विशेष अंतर क्या होता है। तो टाल में से क्या होता है, लंबा होता है, ये क्या होता है, एक व्यक्ति व्यक्ति के लिए यूज होगा। जो आपका हाई होता है वो बिल्डिंग के लिए, माउंटेन के लिए, वस्तुओं के लिए यूज होता है। तो अगर हम बात करें कि किसी की बात करें कि वह 8 फुट लंबा है, तो हम लोग हाई में लगाएंगे कि ही इज 8 फीट हाई। हम लोग क्या बोलेंगे, ही इज 8 फीट टाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वह 8 फुट लंबा है, तो ही इज 8 फीट टाल बोलेंगे, ना कि हाई बोलेंगे। अगर क्योंकि जो टाल है वो केवल व्यक्तियों के लिए यूज होता है, और जो आपका हाई है ये किसके लिए यूज होता है, ये आपका होता है बिल्डिंग्स और वस्तुओं के लिए यूज होता है। अगर हम बात करें तो अगर हम इसकी बात करें, वस्तुओं के फॉर्म में बात करें, तो आपको क्या हो जाएगा, दिस ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। तो ये जो पेड़ है वो इतना ऊंचा है कि हम उस पे चढ़ नहीं सकते, ज्यादा ऊंचाई के लिए दिया जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कहीं भी ट्री क्या है, आपकी वस्तु है, कोई वस्तु होगी, माउंटेन होगा, तो वहां पे हम लोग हाई यूज करेंगे। तो अगर ये जो आपके सामने टू का हमने केस दिया है, ये आप रिमूवल टू में पढ़ेंगे, इसका मतलब ये होता है कि दिस ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। इसका जब हम लोग ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे, टू को रिमूवल करेंगे, तो यही करेंगे, इसका मतलब निकलता है दिस ट्री इज सो हाई दैट वी कैन नॉट क्लाइंब। ठीक है, तो ये पेड़ जो है इतना ऊंचा है कि हम लोग उस पे चढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग आगे रिमूवल टू में पढ़ाएंगे, जब डिग्री होगा आपको बताई गई है, ऐसे आपका इफ के रूल चलेंगे, रिमूवल टू के रूल चलेंगे, तो आपको एक अलग से बता दिया जाएगा कि रिमूवल जब टू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम में आता भी है। तो अगर इससे अभी भी आपके सामने बता दे रहे हैं, तो आपको कोई अभी आवश्यकता नहीं लिखने की, आगे हम चल के इसका पूरा टाइप कराएंगे। तो कहने का मतलब ये होता है, जब कभी भी ये ट्री के लिए आएगा या वस्तु के लिए आएगा, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हाई का यूज करेंगे। अगर वही चीज टाल, अगर टाल क्या होगा, टाल किसी भी व्यक्ति के लिए होगा, किसी भी राम के लिए होगा, उसमें क्या है, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, कोई व्यक्ति होता है तो हम लोग टाल का यूज करेंगे, जब कोई माउंटेन होगा, कोई ट्री होगी, तो हम लोग हाई का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोगों का अगला रूल है, वो क्या है, नियरेस्ट और नेक्स्ट का है। तो हम लोग देखेंगे इसमें, तो एग्जाम्पल समझेंगे। तो नेक्स्ट मीन्स क्या होता है कि आपका जो एक क्रम के लिए होता है, और जो नियरेस्ट होता है वो आपका दूरी के लिए होता है। अगर हम एग्जाम्पल आपके सामने बोले, तो यही बोलेंगे कि माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। माई अंकल, आप एग्जाम्पल लिखें, तो माई अंकल लिव इन द नेक्स्ट हाउस। अगर हम लोग देखेंगे तो माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, तो आपका जो नेक्स्ट है, ये आपका क्या है, ये आपको क्रम को बता रहा है, ये एक क्रम है, इसमें कोई दूरी दबा नहीं है कि आप दूरी जो अगले क्रम के लिए, कोई बोले कि राम के बगल में कौन बैठा है, तो राम के नेक्स्ट कौन बैठा है, तो क्रम के लिए होगा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, एक क्रम के लिए कि उनका जो अंकल का मकान है या घर है वो उनके बगल में है, उनके 2 कदम आगे है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यूज करेंगे। अगर हम नियरेस्ट की बात करें, तो नियरेस्ट में एग्जांपल आपका क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, द नियरेस्ट स्टेशन इज मेरे सिटी। हम लोग एग्जांपल देखते हैं, नियरेस्ट स्टेशन इज मेरठ सिटी। हमने एग्जांपल आपको ये दिया है, एक एग्जांपल आपके सामने ये दिया है। तो अगर हम लोग मेरठ की बात करें, तो वहां पे क्या है, ये दूरी, ये नहीं है कि नियरेस्ट कोई दूरी होगा, दूर ही होगा, नियरेस्ट क्या है, एक दूरी की, दूरी क्या होती है, पास होगा या तो दूर होगा, दूरी देखी होती है, चाहे 2 किलोमीटर की दूरी हो उसको हम लोग दूरी बोलेंगे, चाहे 100 किलोमीटर की दूरी हो उसको हम लोग दूरी बोलेंगे। ये नहीं कहेंगे कि नियरेस्ट माने क्या होता है, पास, सबसे पास वाला, हम लोग समझते हैं ना, नियर मीन्स क्या होता है, पास, तो नियरेस्ट बोल देंगे कि नियरेस्ट हाउस, नहीं सबसे पास वाला, लेकिन वो मेन जो कॉन्सेप्ट अपना है वो तो दूरी का ही है। तो कोई भी चीज होगी, चाहे 100 किलोमीटर की दूरी की हो, तो उसको हम लोग फार्दर तो बोल रहे हैं, लेकिन
जो पास का है दूरी, पास वाली भी दूरी ही होती है। जैसे हमने आपको आपके दिमाग में बात चलेगी कि भी सर ने बताया था फार्दर वाला, वो भी दूरी का था। तो अगर हम फार्दर और नियरेस्ट में एक अंतर देखें तो यही एक अंतर है इसका। फार्दर क्या था, वो लंबी दूरी के लिए था। जो छोटी मोटी दूरियां होती हैं वो क्या होता है, वहां पे हम लोग नियरेस्ट यूज करते हैं। लेकिन वो भी दूरी होगी, नहीं बिल्कुल पास में तो उसको हम दूरी में मेजरमेंट नहीं करेंगे, वो भी दूरी है। ठीक है, तो क्या है, इसे एग्जांपल आपका है द नियरेस्ट स्टेशन इज मेरठ सिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो भी मेरठ सिटी से जाएगा जो पास में होगा। तो क्या होगा, ये दूरी को रिप्रेजेंट करता है नियरेस्ट, और आपका जो ये है ये आपका किसको करता है, ये नेक्स्ट को, नेक्स्ट क्रम को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए देखते हैं आज जो आपका बहुत ही जो माइनर डिफरेंस हम लोग गुड और वेल का वो समझ नहीं पाते हैं। वो कभी भी आप वेल को नाउन के फॉर्म में यूज कर देते हैं या करते हैं तो उसका एक अर्थ सही भी है, लेकिन हम लोग आज आपको बताएंगे कि गुड का कहाँ यूज करना है और वेल का कहाँ यूज करना है। उसके बाद आपको एग्जांपल भी देंगे कि क्यों गुड का यूज ही पहले क्यों होता है नाउन के पहले और वेल का क्यों नहीं होता है, तो उसका हम बताएंगे। तो अगर हम लोग देखें कि गुड क्या है आपका, हम एग्जाम्पल आपके सामने लिखें, ही इज अ गुड बॉय, लिखा ही इज अ गुड बॉय। हम लोग जानते हैं गुड क्या आपका एडजेक्टिव है, और वेल आपको कैसा है, वेल आपको कैसा है, वेल आपका एडवर्ब है। कभी भी हम लोग ये नहीं कहते हैं कि ही इज अ वेल बॉय, ही इज अ वेल बॉय कभी भी नहीं बोलेंगे, ना कभी भी बोलते हैं कि यू विल गेट वेल सून। क्या बोलते हैं, यू विल गेट वेल सून बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, यू विल गेट गुड सून। क्योंकि क्या होता है ना, वो जो एडवर्ब होता है वो क्या करता है, वो आपको वर्ब को क्वालिफाई करता है, और जो आपका एडजेक्टिव होता है वो आपको नाउन को क्वालिफाई करता है। तो वही चीज है यहाँ पे, हम लोग कभी भी ये नहीं बोलेंगे। हम लोग बोलते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल ले लें, हम लोग बोलते हैं वेल डन ब्रदर, नहीं बोलते बहुत अच्छा किया, इसको क्यों नहीं बोलते हैं। अगर हम लोग चाहें तो वेल माने भी अच्छा ही होता है, गुड माने भी अच्छा होता है, इसको हम लोग गुड डन क्यों नहीं बोल देते हैं, गुड डन ब्रदर क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि भाई फिर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आता है कि जो डन है ये क्या है, आपकी वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, जो एडवर्ब होता है वेल है, और ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, ये आपका कैसा है, ये वर्ब है। तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्वालिफाई करेगा, बॉय को करेगा, प्रोनाउन को करेगा, ये जो होता है तो गुड हमेशा नाउन या प्रोनाउन क्वालिफाई करता है, क्योंकि गुड क्या है आपका एडजेक्टिव है, और जो वेल आपका है ये हमेशा आपको वर्ब को क्वालिफाई करता है, क्योंकि आपका वेल कैसा है, एक एडवर्ब है। तो इसी को हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे, हमने गुड और वेल में अंतर समझ लिया, जो बेसिक एक अंतर था वो हमने समझ लिया कि गुड क्या होता है आपका एडजेक्टिव है, आपके सामने एग्जांपल भी दिए हैं, और वेल आपको कैसा होता है एडवर्ब होता है। तो कभी भी दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन हमको अंतर इतना होता है, अंतर इतना हम लोग जान गए हैं कि गुड के साथ में हमेशा हम लोग नाउन यूज करेंगे, और वेल के साथ में हमेशा हम लोग कैसा करेंगे, हम लोग वेल के साथ हम लोग वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करता है, क्रिया क्वालिफाई करता है। तो अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल समझ लें, तो एक एग्जाम्पल होता है यू विल गेट वेल सून, बहुत से लोग बोलते हैं कि आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे, एग्जाम्पल है। तो क्या है वेल, क्या है ये गेट को क्वालिफाई कर रहा है, क्रिया क्वालिफाई कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है वेल कैसा है एडवर्ब है। हम लोग कभी भी गेट गुड सून नहीं बोलेंगे, क्योंकि गुड क्या होता है, गुड आपका नाम होता है, एडजेक्टिव होता है, तो हमेशा ये क्या करेगा, ये हमेशा बॉय को या प्रोनाउन को, कोई प्रोनाउन आएगा उसको क्वालिफाई करेगा, उसको क्वालिफाई करेगा। तो कहने का मेन मतलब ये है, अगर हम लोग एक शब्द में बोले तो ये बोलेंगे कि गुड आपका एडजेक्टिव होता है जो क्वालिफाई करता है नाउन को, और वेल आपका क्या होता है एडवर्ब होता है जो क्वालिफाई करता है आपके वर्ब। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट का, फर्स्ट और फॉरमोस्ट,
फर्स्ट क्या जानते हैं आप? पहला जो क्रम होता है, जो फर्स्ट होता है, जैसे एबीसीडी का पहला क्या होता है, ए अल्फाबेट जो होता है आपका वो पहला होता है। तो जो फर्स्ट होता है तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि फर्स्ट क्या होता है। फॉरमोस्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है इमिनेंट या फेमस या श्रेष्ठ, ठीक है, या सुपर, कोई भी है उस जो बिल्कुल प्रसिद्ध होता है उसको, उसका मतलब क्या होता है फॉरमोस्ट। इसको लोग अगर हम लोग सेरोनिम्स की लिस्ट में देखें तो हम लोग इमिनेंट भी बोलते हैं, फेमस बोल सकते हैं, फेमस बोल सकते हैं, इमिनेंट बोल सकते हैं। तो इसके अगर हम बोले इसके सेरोनिम्स क्या होंगे, तो इसके सेरोनिम्स क्या होंगे, फेमस भी होगा आपका, इमिनेंट भी होगा, वो अलग बात है। तो अभी हम सेरोनिम्स नहीं पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाई जाएगी सारा कुछ, बहुत कुछ पोर्शन में दिया जाएगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट और फॉरमोस्ट की बात करें तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट में केवल इतना ही अंतर है कि फर्स्ट क्या होता है कि आपका ये पहले वाले क्रम के लिए होता है, जो सबसे पहला अक्षर एबीसीडी में पहला है, या कोई रो पे कोई बैठा उसे बोल देंगे फर्स्ट नंबर पे कौन बैठा है, तो कौन बैठेगा, कोई गीता सीता राम से हम कोई भी होंगे। तो कहने का मतलब है जो फॉरमोस्ट होता है वो आपका उस रो में जो सबसे फेमस होता है, जो सबसे श्रेष्ठ होता है, उसको हम लोग फॉरमोस्ट बोलते हैं। हम लोग अगर फर्स्ट का एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल यही हो जाएगा, फर्स्ट का एग्जाम्पल आपका यही हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट। अगर इंग्लिश अल्फाबेट का बोले, इंग्लिश अल्फाबेट का बोले तो क्या होता है, जो ए होता है आपका क्या होता है, ये आपका फर्स्ट लेटर होता है। तो वही चीज है कि अगर हम लोग आपके सामने एग्जांपल दिया था तो क्या कर देंगे हम लोग, ए जो है आपका फर्स्ट लेटर है। एबीसीडी में क्या होते हैं, बहुत से लेटर्स होते हैं, एबीसीडी 26 तक होते हैं, तो वहां पे जो ए आपका दिया गया है वो कैसा है, फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फाबेट का लेटर है। तो वही बताया गया है फर्स्ट क्या होता है, वो पहले के लिए होता है। अगर हम लोग फॉरमोस्ट की बात करें तो यही बोलेंगे, जैसे हम लोग एग्जाम्पल बोलेंगे जहांगीर वॉज द फॉरमोस्ट पेंटर ऑफ हिज पीरियड, तो हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्या था, जहांगीर जो था वो अपने समय का बहुत ही फेमस पेंटर था। तो हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे जहांगीर वॉज द फॉरमोस्ट पेंटर ऑफ हिज पीरियड, तो अपने जो समय का था, जो जहांगीर था वो अपने समय का क्या था, वो बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत ही फॉरमोस्ट था, बहुत ही इमिनेंट था, बहुत ही क्या कैसा था, वो फेमस था। तो वही कहने का मतलब है जब कभी भी कोई फेमस इमिनेंट या इस टाइप का आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरमोस्ट यूज करेंगे। अगर वो भी श्रेष्ठ है, अगर हम बोले कि कोई लाइन में पहला जो भी तरीके का श्रेष्ठ है पहले, लेकिन वो क्रम के बेस्ड पर है। लेकिन जब कोई हम लोग कोई चीज सेलेक्ट करेंगे, कोई चीज बताएंगे कि इनमें से सबसे अच्छा कौन है, तो वहां पे हम लोग फॉरमोस्ट का हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में आपको लिखा है कि जहांगीर वॉज द फॉरमोस्ट पेंटर ऑफ हिज। तो आइए देखते हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने लेटर का समझा था, तो लेटर क्या था, जो लेटर होता है वो बाद वाले के लिए होता है, और जो लेटर होता है वो जो क्रम में बाद वाला, जब कभी भी दो का क्रम दिया गया होगा, दो लोग होंगे राम एंड श्याम होंगे या दो बुक्स होंगी, कोई भी होगा, तो वहां पे जो हम लोग बोलेंगे कि जो बाद वाला है, कि राम और श्याम आ रहा है, जो बाद वाला है वो बहुत ही डिसेंट लड़का है, बहुत ही डिसेंट स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छा लड़का है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो बाद वाला जो श्याम बाद में आ रहा है उसको हम लोग लेटर बोलेंगे, कि लेटर इज डिस्टेंट बॉय। तो कुल मिला कहने का मतलब है कि जब कभी भी लेटर आपका आ जाएगा तो लेटर जो होता है आपका एल ए टी ई आर लेटर होता है, ये आपका बाद वाला बोलता है। आपके सामने एग्जांपल मैंने दिया है, ही केम लेटर देन आई, वो मेरे बाद में आया है, तो वो मेरे बाद में आया है, ठीक है। जब कभी भी दो वस्तुएं होती है, दो कोई वस्तुएं दी गई है, तो वहां पे अगर हम लोग लेटर को देखेंगे एल ए डबल टी ई आर को देखेंगे, तो जो क्रम में बाद वाला होगा, जो क्रम में बाद वाला होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेटर का यूज करेंगे, एल ए डबल टी ई आर लेटर यूज करेंगे। आपके सामने एग्जांपल लिखा है, बिटवीन दीज टू बुक्स
दो किताबों में से लेटर इज मोर इंटरेस्टिंग, जो बाद वाली आपकी किताब है वो क्या है, बहुत ही अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कहने का मतलब है अगर हम लोग लेटर और लेटर में इतना इंटरेस्ट समझेंगे तो जो दो व्यक्तियों के लिए बाद वाला कोई आता है, कोई व्यक्ति है दो तो बाद वाला आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, केवल बाद वाले के लिए, कि बाद में कौन है उसको बोलेंगे लेटर, LATER। जब कोई व्यक्ति वस्तु होगी उसमें हम लोग देख रहे होंगे, उसको कंपेरिजन कर रहे होंगे, तो उसमें जो बाद वाले क्रम, जिसमें केवल क्रम जुड़ा होता है, अगर दो किताबें हैं तो उसमें दूसरी वाली है, तीसरी वाली, दूसरी वाली है, तो वहां पे हम लोग क्या करें, एग्जांपल में बटवीन लगा तो हमने दो का यूज किया है, तो फिर भी अगर हम लोग बाद वो भी करें बटवीन क्यों लगा है, तो कभी भी अगर लेटर आएगा दो दो वस्तुओं के लिए ही होता है। पहले मतलब यह है कि जो LATER होता है तो दो वस्तुओं या दो जो चीजें होंगी उसमें हम लोग कंपेरिजन करेंगे, बताएंगे, जो बाद वाला होगा उसके लिए LATER का हम लोग यूज करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे लास्ट का और दूसरा आपका है लेटेस्ट का देखेंगे। तो आखिरी रूल है लास्ट एंड लेटेस्ट। अगर हम लोग बोलेंगे लास्ट और लेटेस्ट में हम लोग अंतर समझेंगे तो इसका अंतर यही है कि लास्ट क्या होता है, वो क्रम में सबसे अंतिम वाला होता है। अगर हम आपसे बोले कि आप सबसे लास्ट में आए तो क्या बोलेंगे, ही वॉज लास्ट टू अराइव, अराइव हियर, ठीक है। तो वही चीज बोलेंगे अगर कोई लास्ट में आया है तो अंतिम, जो अंतिम क्रम के लिए यूज करेंगे वो हम लोग लास्ट का यूज करेंगे। अगर हम लोग लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट में क्या करेंगे, कोई लेटेस्ट क्या होता है, जो भी रिसेंटली कोई घटना चल रही होती है, कोई भी होती है, तो वहां पे हम लोग लेटेस्ट नहीं बोलते, हैव यू हियर द लेटेस्ट न्यूज, कि आपने कोई नई न्यूज सुनी, जो भी नई घटना होती है उनको लेटेस्ट न्यूज बोलते हैं, या कोई भी लेटेस्ट कोई सिलेबस आता है, कोई जुड़ता है तो हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट सिलेबस आया है। तो कह रहे हैं लेटेस्ट न्यूज होता है कि बिल्कुल नया नया जो कोई चीज होती है उसको हम लोग लेटेस्ट बोलते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, तो अगर हम लोग लास्ट का एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या लिखेंगे, ही वॉज द तो अगर हम लोग बोले लास्ट यूज करेंगे तो क्या लास्ट ये क्रम में अंतिम के लिए होता है, ये अंतिम क्रम के लिए होता है कि वो जो आया है वह यहाँ पर सबसे अंतिम में आया है, सबसे लास्ट में आया है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लास्ट में यूज करेंगे। अगर हम लोग लेटेस्ट की बात करें तो वही क्या होगा, आपने कोई नया नया समाचार सुना होगा, आपने कोई नई नई खबर सुनी होगी, आपके यहाँ कोई नई नई घटनाएं घटित हुई होंगी, कोई भी चीज जब इस प्रकार की होगी, कोई नई होगी, रिसेंटली होगी, तो उसको हम लोग लेटेस्ट बोलते हैं। कोई नई नई चीज होती है, कोई नई नई घटना होती है, उसको हम लेटेस्ट बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे हैव यू हियर द लेटेस्ट न्यूज, तो क्या हो जाएगा, अगर हम आपसे पूछे कि क्या आपने कोई नई न्यूज जो है लेटेस्ट न्यूज सुनी है, देखी है, तो कभी भी चाहे सुनी हो चाहे देखी उससे मतलब नहीं है। तो कभी भी अगर आपके सामने दो एग्जांपल दिए गए हैं तो इससे आप समझ लेंगे लास्ट मतलब होता है जो अंतिम क्रम में आएगा, कोई भी चीज अंतिम क्रम में आएगी। एक एग्जांपल आपके सामने है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लिखा ही वॉज द लास्ट टू अराइव हियर, यहाँ जो अंतिम में आया है, तो अंतिम में क्रम के लिए क्या होता है, हम लोग लास्ट यूज करते हैं। अगर वही चीज हम आपके सामने रखें तो अगर लेटेस्ट की बात करेंगे तो लेटेस्ट क्या होता है, एकदम नया नया होता है, रिसेंटली होता है, जो रिसेंटली घटना घटित होती है, जो नई होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो नई नई घटना होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी जितनी भी नई नई घटनाएं होती हैं उनको हम लोग नई नई घटनाएं होती है, नए नए समाचार होते हैं, नया नया कोई सिलेबस आता है, कोई चीज रिसेंटली का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेस्ट बोलते हैं। तो आज का जो आपके एडजेक्टिव का टॉपिक था, जितने भी आपके डाउट्स थे सारे क्लियर हो चुके हैं, जितने भी एडजेक्टिव और एडवर्ब में अंतर थे गुडविल का आपको सामने बताया गया, और लास्ट लेटेस्ट बताया गया, लेटर लेटर बताया गया, तो जितने भी थे आपके सामने कवर हो चुके हैं। तो ये लगभग मेरा जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट मिक्स किया गया था आपके लिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो जो भी पार्ट थ्री या पार्ट फोर तक मेरा पहुंचा है एडजेक्टिव, तो इसको आपको देखना है और नोटबुक में नोट करना है और रूल को समझना है। अगर आपको दिक्कत आ रही है इसके तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर इसमें सही होना चाहिए या मुझे समझ में आ नहीं रहा है,
तो वो चीज आपको बतानी है। मेन है आज एडजेक्टिव हुआ है, इसकी सीट आप लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने करवाया था उसमें कि नाउन और प्रोनाउन वाले में, नाउन और प्रोनाउन की मैंने एक मिक्स सीट कराई थी, उसमें 30 क्वेश्चन थे। तो उसी फॉर्म में हम जब एडजेक्टिव का खत्म कर चुके हैं तो अगला जो मेरा वीडियो आएगा आपका सीट का होगा, उसमें होगी क्या होगी एडजेक्टिव की सीट होगी, उसमें भी 30-40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे कि आप लोग इरर फाइंड करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसमें नए जुड़े हैं जिनको पता नहीं होता कि हमने रूल तो पढ़ लिए हैं लेकिन उसमें इरर कैसे फाइंड करना, तो सारी चीजें हम बताएंगे कि एडजेक्टिव की इरर कैसे फाइंड करेंगे। तो आशा है आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कर रहे होंगे, और जो टू आईटीएम चैनल सरकारी है, टू आईटीएम सरकारी चैनल को हम लोग सब्सक्राइब करते रहते होंगे। ठीक है, कीप वॉचिंग।